वेलकम टू श्री माई फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे 30 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। उसका मेजरमेंट होगा चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच। चेस्ट का 1/4 आएगा 7.5 इंच। उसके साथ 2 इंच ऐड करेंगे, 9.5 इंच में हम लोग कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कटिंग होगा। 9.5 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब ब्लाउज की लंबाई है 12 इंच, हम लोग लेंगे 13 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए, ऊपर 1/2 इंच, नीचे के 1/2 इंच। अब लेंगे शोल्डर की माना, वो लेंगे हम लोग 5 इंच पे, क्योंकि ये 30 साइज ब्लाउज है इसलिए 5 इंच पे मार्क लगाएंगे। और आर्म होल भी लेंगे 5 इंच पे और इसको चेस्ट लाइन से मिला लेंगे। ये है चेस्ट लाइन, चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच, जो पहले मेज़र किया था वही 7.5 प्लस 2 इंच। और नीचे 1 माइनस करके मार्क लगा लेंगे और फिटिंग्स करने के टाइम हम लोग नाप के लगाएंगे। और नेक का मेज़रमेंट लेंगे 2.75 इंच और डीप जितना आप लोगों का होगा उतना ही लीजिएगा। मैं यहाँ पे लूँगी 9.5 इंच और चौड़ाई लेंगे 4 इंच पे, क्योंकि ये राउंड नेक बनेगा। अब ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक मिला लेंगे और राउंड शेप देते जाएंगे। अब गुलाई दे देंगे। और 0.75 इंच पे आर्मोल की गुलाई देंगे। और आर्मोल की गुलाई देने के बाद हम लोगों को आर्मोल का मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक का आर्मोल का साइज़ अलग अलग होता है। किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। तो फिटिंग्स लाइन पे मार्क लगा के हम लोग आर्मोल का नाप लगा लेंगे। अगर कम या ज़्यादा हो तो यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है तो हम लोग थोड़ा डीप करते जाएंगे। अब शोल्डर को 1/2 इंच से कम 1/4 इंच दबा देंगे। अब कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे कटिंग स्टिचिंग अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल बटन को क्लिक कीजिए, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, इसलिए कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और खुले साइड में हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा लेंगे, क्योंकि ये 30 साइज है इसलिए 1.5 इंच ही हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। अब बैक पार्ट को इसके 1.5 इंच को छोड़ते हुए बैक पार्ट को बिठा लेंगे और आर्म होल और गले का मार्क लगा लेंगे। साइड का मार्क भी कर लेंगे। अब इसको उठा लेंगे,
पहले नेक डीप जितना आप लोगों का होगा। मैंने यहाँ पे 7 इंच पे नेक डीप दिया है क्योंकि हम लोगों सिलाई मार्जिन में जाएगा, कटोरी में जाएगा 1 इंच और ऊपर जाएगा 1/2 इंच, तो उसी हिसाब से क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग होगा इसलिए हम लोग डीप थोड़ा ज़्यादा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नेक की डीप जितनी है उससे 1.5 इंच ऐड करके लेंगे। आप नेक की चौड़ाई जितना चाहिए उतना लेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाया है और आर्म होल को 1/4 इंच दबा देंगे। एकदम 1/4 इंच, उससे कम होने से भी चलेगा। अब हम लोग कटोरी की मेजरमेंट लेंगे। बस पॉइंट है 9.5 इंच, उसके साथ 1.5 इंच ऐड करके 11 पॉइंट पे हम लोग मार्क लगाएंगे कटोरी की। अब कटोरी का मेजरमेंट लेंगे। पहले सीधा लाइन खींच लेते हैं, इससे आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। और नीचे का मार्क करेंगे 3.5 इंच पे, जो फुल बस्ट का तिरवा भाग उसके साथ 1 इंच ऐड करके लिया है। और कटोरी का साइज आएगा, फुल बस्ट है 32, उसका 1/4 आएगा 8 इंच, उससे 1 माइनस करके हम लोग कटोरी की साइज लेंगे। तो 7 इंच पे मार्क करेंगे और उसके मिडिल पॉइंट 3.5 इंच पे और एक मार्क लगा लेंगे सेंटर पे। और पूरी लाइन को सीधा खींच लेंगे, ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ 0.75 इंच यानी 0.5 इंच मार्क लगाएंगे। फ्रंट साइड में भी 1 इंच का मार्क लगा लेंगे। आप चारों पॉइंट को मिडिल में मिला लेंगे। और कटोरी में थोड़ा गोलाई दे देंगे। अब नेक का जो पॉइंट लगाया था 3 इंच पे वहां तक मिला लेंगे। अब इसको भी नेक्स्ट लाइन से गोलाई दे देंगे। ये ज़्यादातर 5 इंच से अच्छा रहता है। अब नीचे का पॉइंट लगाएंगे, ये 0.75 पे मार्क लगाएंगे और थोड़ा गोलाई दे देंगे। अब जो 1 इंच और 0.75 इंच लिया था उसका 1.75 इंच होता है, उसके साथ 1 इंच ऐड करेंगे जो हम लोगों का साइड का मार्जिन आएगा। अब इसको पहले सीधा खींच लेंगे एक मार्क, बाद में इसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे 0.75 इंच ऊपर उठा लेंगे। इससे ब्लाउज की फिटिंग्स बहुत अच्छा होता है। ये हो गया कटोरी का। अब हम लोग बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए मेज़रमेंट ले लेते हैं। साइड का मेज़रमेंट जितना आया है वो बैक पार्ट में रख लेंगे और पॉइंट लगा के जितने पे आता है उससे 1/2 इंच प्लस करके हम लोग बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो सीधा खींच लेंगे, देखते हैं बेल्ट अगर ठीक बैठेगा, नहीं तो हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसको मार्क कर लेंगे बैक पार्ट को बिठाते हुए। यहाँ से गोलाई देने से
बेल्ट की फिटिंग्स अच्छी नहीं होगी तो हम लोग हाफ इंच डाउन कर देंगे, तो नीचे से भी हाफ इंच ऐड कर लेंगे। ऊपर से भी हाफ इंच डाउन कर देंगे और इधर से भी हाफ इंच डाउन कर देंगे, तब गोलाई अच्छी होगी। अब कटिंग कर लेंगे। हम लोग का मेजरमेंट हो गया, यहाँ का गोलाई देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कटोरी अच्छी नहीं बैठती। ओ यहाँ पे तो थोड़ा गुलाई देना भूल ही गई, थोड़ा गुलाई दे दीजिएगा। हम लोग का कटिंग कंप्लीट हो चुका। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसलिए शोल्डर से आर्म होल के तक जितना नाप आता है, हम मेरा है 6.75 इंच, तो हम लोग लेंगे 7.75 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे गोलाई के लिए। सेवन पॉइंट सेवन फाइव इंच पे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये आएगा हम लोगों का स्लीव्स का नाप, और लंबाई आप लोग अपने हिसाब से लीजिए। जितना लंबा हो स्लीव्स, अब स्लीव्स की पहले यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाएंगे, डाउन भी 3 इंच पे ही करेंगे और यहाँ से देंगे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोनों मार्क को मिला लेंगे। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग्स करने से स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट हो जाती है। और मोहरी भी अपनों जितना नाप है उसी के अकॉर्डिंग लीजिए, जितना है इसको हाफ करके उसके साथ 2 इंच ऐड कर लीजिए। अब आर्महोल की स्लीव्स की फ्रंट आर्महोल और बैक आर्महोल की गुलाई देंगे। ये हो गया बैक आर्महोल और ये हो गया फ्रंट आर्महोल, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने से स्लीव्स की फिटिंग्स बहुत अच्छा बैठती है। पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, फिर इसको खोलते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। हम लोगों का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पीस। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।